आदरणीय मुफ्ती साहब, आप क्योंकि देश और समाज के लिए, धर्म और परंपराओं के लिए, मानवता के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए निरंतर लड़ते रहते हैं। मैं बहुत वर्षों से आपको देख रहा हूं और इस पहल को, इस कदम को यहां तक लाने के लिए मैं मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मदरसे को ध्यान में रख करके कि मदरसे में एक सुंदर शिक्षा का स्थापन हो, एक मदरसे से एक भारतीय संस्कृति की संरक्षणा के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एक नई बीज बोई जाए, उसके लिए उन्होंने आपको चुना है और आपका चयन किया है। इसके लिए मैं उनको तो बधाई देता ही हूँ और उनके साथ साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि निसंदेह इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक थी उत्तराखंड राज्य के लिए। उत्तराखंड देवभूमि है। भारत के सभी बड़े बड़े महापुरुष, भारत के बड़े सभी संत उत्तराखंड में निवास करते हैं और उत्तराखंड संतों के कारण, गंगा के कारण, चार धाम के कारण दुनिया के सभी जो बड़े पर्यटक, छोटे पर्यटक हैं वो निरंतर उत्तराखंड आते रहते हैं। तो आपका जो चार विजन मुझे दिखाई पड़ा वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड का पहाड़ का संरक्षण हो, उत्तराखंड पहाड़ की रक्षा हो, योग की जो एक परिकल्पना देश में थी उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है, दुनिया में घर घर तक योग को पहुंचाया है, उसको भी उत्तराखंड के मदरसे में आप लेकर आएंगे। तीसरा, गंगा, गंगा विरल हो, गंगा निर्मल हो, गंगा स्वच्छ हो। और चौथा, गाय, गौ, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माता है, किसी जाति धर्म परंपरा की नहीं, गाय पूरी दुनिया की माता है। आपने कहा कि जिस किसी भी माँ के स्तन में दूध नहीं आते उस बच्चों का पोषण गाय के दूध से किया जा सकता है और किया जाता रहा है, जिसमें माँ के दूध की तुलना ही गाय की दूध की तुलना की गई है। गाय के दूध की तुलना और माँ के दूध की तुलना एक समान किया गया है, क्योंकि माँ माँ मेरी है और गाय पूरी दुनिया की माँ है। गाय पूरी पृथ्वी पर जितने भी धर्म के परंपराओं के लोग हैं उन सभी के माँ है। एक बात आपकी बहुत बड़ी है, अच्छी लगी, कि जो लोग अराजक तत्व के लोग यहाँ हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं, यदि वो हमारी बात से नहीं मानेंगे तो निसंदेह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अधिकार वो सरकार ने आपको दे दिया है, वो अधिकार सरकार ने आपको दे दिया है। तो मदरसे एजुकेशन बोर्ड का अध्यक्ष आपको बनाया है, मैं तो उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड की पूरी सरकार को, उत्तराखंड के पूरी बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको इस पद पर ला करके निसंदेह मदरसे के द्वारा जो मतभेद पैदा हो रहा था, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि यहाँ आज बहुत सारे कदम आपने देखा होगा सरकार का कि जो गैर कानूनी मदरसे थे उनके खिलाफ सरकार ने बीच में कदम उठाई, मुझे लगता है अब वो आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ेगी, वह कार्य आप करेंगे और इसके लिए सरकार ने आपका चयन किया है। हम सभी, क्योंकि मेरा समर्थन शुरू से आपके साथ रहा है, जब जब धर्म को, परंपराओं को लेकर आप लड़े आगे आए, तब तब हम स्वामी रामदेव जी, स्वामी अग्निवेश हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम सदैव आपके समर्थन में रहे, आगे भी समर्थन में रहेंगे। और इन चारों की रक्षा केवल उत्तराखंड की नहीं, पूरे भारत की रक्षा होगी। आपने जनसंख्या की बात कही, आपने जनसंख्या के ऊपर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, भारतीय परंपराओं को देखते हुए, भारतीय परंपराओं की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है और अति आवश्यक है। मुझे लगता है इसके लिए भी आपका कदम आगे बढ़ चढ़ करके रहेगा। और क्योंकि आप बहुत एजुकेटेड के साथ साथ बहुत सरल भी हैं,
सौहृदयी भी हैं और आप सनातन धर्म को, सनातन धर्म के प्रति आपकी रुचि सदैव परंपरागत रही है, सदैव रही है। जब जब धर्म के लिए, परंपराओं के लिए कोई ऐसी बात आई है, तब तब आपने युद्ध लड़ा है और मुझे लगता है आगे भी आप युद्ध लड़ते रहेंगे। ना कभी आप थकने वाले हैं, ना कभी आप रुकने वाले हैं, क्योंकि हम सभी का समर्थन सदैव आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उनका यह कदम अत्यंत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अवर्णीय है और बधाई के पात्र हैं वो। उन्होंने एक सुपात्र का चयन परंपराओं के लिए किया है, जिस परंपरा से हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था उत्तराखंड में थोड़ी सी आपदा आ सकती है, वैचारिक भाव का थोड़ी आपदा आ सकती है, परंपराओं को लेकर के थोड़ी आपदा आ सकती है, वैचारिक मतभेद को लेकर के। मुझे लगता है उसको आप समन्वय का रूप देंगे, मुझे लगता है उसको आप सेतु का रूप देंगे। और जो ऐसे कट्टर लोग हैं, जो ऐसे धर्मावलंबी नहीं हैं, जो धर्म की परंपराओं को नहीं मानते हैं, जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा को मान करके, और जो भोले भाले, आपने एक बात कही कि सही शिक्षा मदरसे में अगर मिलती तो निसंदेह वो नहीं बहकते, उनमें बहकाव नहीं आता, वो उनमें परिवर्तन नहीं आता, राष्ट्रीयता के प्रति उनमें कट्टरता नहीं आती, वो राष्ट्र के लिए इतने कट्टर नहीं होते जितनी कट्टरता आज उनमें दिखाई पड़ रही है। तो निसंदेह उनमें शिक्षा की, वैचारिक भाव की, समन्वय की कमी होने के कारण आज यह अभाव दिखाई पड़ रहा था। और अब हम आश्वस्त हैं, हम आश्वस्त हैं कि आपके आने के बाद आज हमारे सभी मदरसे शिक्षित होंगे, मदरसे के सभी बच्चे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो निसंदेह उन बच्चों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, वो परिवर्तनशील नहीं होंगे, वो धर्म की परंपराओं को, राष्ट्र की परंपराओं को लेकर के। भारत में कौन ऐसा प्राणी है जो राष्ट्रीयता को स्वीकार न करता हो, भारत में कौन ऐसा प्राणी है जो राष्ट्र ध्वज को बंधन न करता हो? मुझे लगता है जो बंधन करने वाला प्राणी नहीं है वही तो कट्टर है, वही तो कट्टर है। और मुझे लगता है इसी को समाप्त करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने और पूरी टीम ने आपका चयन किया है। मैं पुनः सीएम साहब को बधाई देता हुआ और आपको बहुत सारा साधुवाद। आप बहुत सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं, विद्वान हैं और आपकी पैठ घर घर तक है, मैं जानता हूँ। मेरी लगभग 15-18 वर्षों से आपके साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो आपकी पैठ घर घर तक है और निसंदेह आप हर घर में जा करके अपनी बात को, अपने विचार को रख कर रखेंगे ही नहीं, मनवाएंगे भी। आप मनवाने में भी बहुत चतुर हैं और आप मनवा लेते हैं, बड़े से बड़े धर्माचार्यों को भी आप मनवा करके और अपनी बात को नहीं अपितु राष्ट्र की बात को मनवा लेते हैं, राष्ट्र की बात को। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ और यह कार्य उत्तराखंड के लिए ही नहीं, जिस प्रकार आज जनसंख्या नियंत्रण हमारी भारतीय परंपराओं में, मुझे लगता है उत्तराखंड में सबसे पहले आया, सबसे पहला उत्तराखंड यह सबसे पहला राज्य है जिसने यह कदम आगे बढ़ाया है। और उत्तराखंड क्योंकि छोटा राज्य वो है हमारा, लेकिन ये देवभूमि होने के नाते सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। दुनिया के सभी लोग हमारे इस राज्य में आना चाहते हैं और हमारे राज्य में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और माँ गंगा और भारत के सभी साधु संत इन पांचों से मिलना चाहते हैं और पांचों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पांचों के कारण पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। आज यह परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण मुझे लगता है कि आज पुष्कर सिंह धामी जी ने यह निर्णय अचानक लिया है और यह निर्णय अचानक निर्णय अत्यंत सराहनीय निर्णय हुआ। मुझे लगता है सभी संत इस निर्णय को स्वीकार करेंगे और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद के साथ साथ माँ भगवती का, महादेव का आशीर्वाद भी, महादेव से कामना करता हूँ कि आपको बल मिले और मदरसों में जो एजुकेशन है वो भारतीयता की एजुकेशन मिले, भारत के प्रति राष्ट्रीयता का एजुकेशन मिले और भारत की जो मौलिक सिद्धांतिक शिक्षा है उसको आप मदरसे में देंगे। मुझे लगता है इसके लिए हम सभी आश्वस्त हैं और हमें आश्वस्त भी हैं, आश्वस्त के साथ साथ हम अत्यंत विश्वासपूर्ण हम अपनी बात को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं आपको विधिवत जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए हम सभी आपको बहुत मानते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत
आशीर्वाद। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई। जय गंगा मैया।